दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आपने पहले आज के आदम की ज़िंदगी में देखा कि वो सोता उठता अपने कामों में व्यस्त रहता। अब आप देखोगे कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता उसके जीवन में मन फिराव का अवसर लाते हैं और उसका विश्वास प्रभु यीशु पिता में शुरू होता है। आमीन। मत्ती 4 अध्याय उसका 17वां वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हेलो। हाँ तुषार, की हाल चाल है भाई? बढ़िया सब यार। मिलन नहीं है हम, काफी चिर हो गया। हाँ इधर भी सब ठीक है, बढ़िया। करवा रहे हैं फिर टाइम नहीं स्कूल? अच्छा चल, फ्री होना तो गल करें। ठीक है, ओके बाय, मिलते फिर, कड़ी टाइम। ओके क्या हाल है डेविड? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एडम, ये प्रभु का वचन है, तो इसे पढ़ और प्रभु के बारे में जान और उसकी हमारे लिए जो इच्छा है ये भी जान। डेविड, तू जानता है मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का जरा भी मन नहीं करता, फिर भी तू कहता है तो पढ़ लूंगा। मेरे कहने पर सही, इसमें उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय जरूर पढ़ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इंसान मरता क्यों है। और यूहन्ना 3:16 जरूर पढ़ना, आगे तेरी जो इच्छा वो पढ़ना। भाइयों, हम तो मुसाफिर हैं, जिंदगी का सफर चलते चलते हंसते हंसते गुजार रहे हैं। वैसे शुक्रिया इस किताब के लिए। भाइयों, अपनों के लिए अपनी जान भी हाजिर है। सलाम, मिलेंगे फिर। हाँ जरूर। Sa 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 s
जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं। यीशु को पाया जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं। ये करिश्मा मेरे खुदा का है, ये करिश्मा मेरे खुदा का है, कोई इत्तेफाक नहीं। जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं। कलामे पाक कहती है जमीन पे कयामत आएगी, एक दिन सारे जहां में मौत की तन्हाई छाएगी। मौत की तन्हाई छाएगी, जो अपनाए यीशु को उसे मौत भी, जो अपनाए यीशु को उसे मौत भी, आए ही नहीं कभी। जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं। बचाने हमको बचाने, खुदा ने दुनिया से की इतनी मोहब्बत हमको बचाने, हमारे गुनाहों के खातिर मसीह को कुर्बान किया। तुमने खून अपना बहाकर